गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों से आप लोगों को जो दृष्टि दोष के बारे में बताया गया, वो दृष्टि दोष और कोई नहीं था, संसार का जो प्रभाव था वो हमारी चेतना पर छाया हुआ। उस संसार के छाए हुए प्रभाव के कारण ही हमारी चेतना का रमण संसार में होता है। परंतु सृष्टि का एक सिद्धांत है, व्यक्ति जमीन पर रहने वाला जीव है, परंतु ये पानी में भी जाता है, हवा में भी जाता है और आग के साथ भी काम करता है। पानी में जाता है तो नाव लेकर के जाता है, नाव में बैठता है, परंतु नाव को अपने में नहीं, नाव में पानी को नहीं आने देता। नाव पानी में जरूर रहती है परंतु नाव में पानी नहीं रहने देता। अगर नाव में पानी आ गया तो नाव डूब जाती है। जीव संसार में आया है परंतु संसार को अपने में ना आने दिया जाए, नहीं तो संसार में डूब जाता है। व्यक्ति भी संसार में सुख के रूप में डूबा हुआ संसार को अपनी चेतना में अवतरित करता है, जिसके कारण संसार इसके जीवन में आकर के इसके जीवन को बोझ बना देता है। आज आप सब देखते भी होंगे और महसूस भी करते होंगे, जीवन अनेक तरह के बोझों को ढो रहा है। महर्षि अरविंद जो महायोगी भी थे, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे से स्पष्ट किया है, केवल मन पर आधारित मनुष्य संतुष्ट और समृद्ध नहीं हो सकता। संतुष्टि और समृद्धि, आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को मन से आत्मा की तरफ जाना पड़ेगा, मन से आत्मा की तरफ जाना पड़ेगा। परंतु जीव मनुष्य क्योंकि मन से संसार की तरफ जा रहा है, तो उसका जो आवागमन आदान प्रदान वो संसार के साथ है, ना के आत्मा के साथ। व्यक्तिगत चेतना को दिव्य चेतना में समाहित करना, व्यक्तिगत चेतना को दिव्य चेतना में समाहित करना, यही जीवन का वास्तविक सत्य है। मन आधारित जीवन संकुचित जीवन है। जब संसार में मन रहता है तो मन पर आधारित जीवन संकुचित जीवन है और संकीर्ण जीवन है। मन पर आधारित मनुष्य मन के इशारे पर नाचता है, गाता है, रोता है, कलपता है, जगत के सारे व्यवहार, लोक व्यवहार वो सब मन के इशारे पर ही करता है। अर्थात मन की ये वृत्तियां उसको बांध करके रखती हैं, मन की ये वृत्तियां उसको बांध करके रखती हैं। आप सोच करके देखिए, मनुष्य को वास्तविक सुख शांति और समृद्धि
आनंद की उपलब्धि नहीं हो पाती। सार्थक सुख और शांति समृद्धि का जो स्रोत है वो मन नहीं है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। हर चीज का एक स्रोत है, जब मूल से जुड़ता है तो स्रोत की शक्ति उसके अंदर आती है। धरती के अंदर जल का स्रोत है, ऊपर से खोद करके जब स्रोत को जोड़ देते हैं कुआ के साथ में, तो कुआ की राशि जल, भूगर्भ की राशि जल कुआ के अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए साधना से, निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित करना होता है। मैंने आपसे कहा था जप करने का कोई और उद्देश्य नहीं है, अपने मन को एक जगह पर एकाग्र करना होता है। ध्यान देना, जब भी कभी आप एकांत में और एकाग्रता में जाते हैं तो मन के अंदर समाए हुए विकार आपके मन के अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। मन अनियंत्रित होकर के उन्हीं में जाकर के समाहित होने लग जाता है, जबकि मनुष्य के जीवन का जो मूल उद्देश्य है अपनी आत्मा में समाहित और आत्मा को परम तत्व के अंदर, परमात्मा के अंदर समाहित करना है। आत्मसंतुष्टि, आत्मसुख और आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि यही अनुभूति होने पर होती है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं होती। जब तक मन आत्मा से युक्त नहीं होता, आत्मा से संचालित नहीं हो सकता। जब तक मन आत्मा से संयुक्ति नहीं करेगा वो आत्मा से संचालित नहीं होगा, तब तक उसके अंदर चंचलता और अनियंत्रितता रहेगी, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में तरह तरह के द्वंद, दुख, कष्ट आकर्षित और आमंत्रित होते रहेंगे, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन कष्टों और कठिनाइयों से सदा भरा रहेगा। हर व्यक्ति इसी उसमें है, उधेड़बुन में है कि मैं अपने दुखों को कैसे समेटूं, या ये सारा खेल मन का है। मन के खेल को समझना आवश्यक है। हमारे अचेतन मन में कर्म के संस्कार, स्मृतियों का संसार और ये भरा रहता है, और जब तक हमारा मन संसार में लगा रहता है तो उस प्रभाव से, जो संसार का प्रभाव है वो हमारे मन के ऊपर काम को करता रहता है। शांति, समृद्धि और संतुष्टि जो आत्मा का गुण है वो हमको मिल नहीं पाता, क्योंकि मन में बसा हुआ संसार बड़ा विचित्र है, वो साधक के पकड़ में नहीं आता, जिसमें अनेक तरह की कड़वी और मीठी स्मृतियां हमारी अनुभूति में उतरती रहती हैं। अच्छे बुरे कर्मों के संस्कारों का जखीरा इसी के अंदर समाया हुआ है। अभी जैसा मैंने कहा, एकांत में बैठ करके जब भी हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारे सम्मुख हमारे ही वो प्रारब्ध, जो संस्कार हैं, वो हमारे सामने प्रकट और होते रहते हैं और मन पर अपने काम को करते हुए रहते हैं।
किसी दृश्य को देख करके हमें दुख होता है तो किसी दृश्य को देख करके हमको सुख होता है, किसी को देख करके हमको घृणा और किसी को देख करके हमको लज्जा आती है, किसी बात को याद करके हम रोने लगते हैं तो किसी घटना को याद करके हम हंसने भी लगते हैं। ये और कुछ नहीं है, हमारी चेतना में समाहित जो स्मृतियां हैं वो अपने प्रभाव को हमारी चेतना के पटल पर उकेरती रहती हैं, जिससे हमें पिछली घटनाएं याद आती रहती हैं। कई बार तो आदमी को अपने ही कर्मों पर लज्जित भी होना पड़ता है, लज्जा आती है, कई बार घृणा आती है, कई बार हंसी भी आती है, तो कई बार और तरह तरह के अनुभव उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार किसी घटना को याद करके हम क्रोध से भी भर जाते हैं और इन घटनाओं से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनसे हम बदला लेने की बात को सोचते हैं। किसी मधुर स्मृति का स्मरण होने पर स्मृतियों से जुड़े हुए व्यक्ति और वस्तु पुनः हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अंदर से देखो, मैं स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं, लोभ मोह वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारी जो पिछली यादें हैं, जो उन परिस्थितियों में हमको सुख मिले थे, वो हमें कमजोर नजर आती हैं या कि ये भूली हुई नजर आती हैं। हम उनको और तरोताजा करने के लिए, उन सुखों को तरोताजा करने के लिए दोबारे से उन कर्मों को करते हैं, या हमारी जो इंद्रियां हैं उन रसों को पीने के लिए, अपनी यादों को दोबारा से तरोताजा करने के लिए उन पाप कर्मों को हमसे कराते हैं। उनके लिए आदमी आकुल और व्याकुल हो उठता है और उन्हीं व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, अपनी आसक्ति के साथ जाकर के जुड़ जाता है। मैंने थोड़ा घुमा करके बोला है, आप गहराई में जाकर के इसको और साफ कर सकते हैं, मैंने स्पष्ट नहीं किया है। संसार वह है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जिसमें हमारा घर परिवार, परिवार के सदस्य, मकान दुकान, सड़क रेल, ये सब कुछ हमको दिखाई देता है। हाँ रीता बेटा, बिल्कुल यही बात है बेटा। जो आनंद की प्राप्ति है रीता, वो इसमें नहीं है। आत्मा जब मन जो है, जब आत्मा में रमण होने लग जाएगा, आपकी गति आत्मा की तरफ होने लग जाएगी। अभी तो बेटी आपका मन करता है, ईमानदारी से देखो, आपका जो जीवन चल रहा है वो आत्मा से नहीं चल रहा है, वो आपके मन से चल रहा है और मन संसार के साथ जुड़ा, जो भी आपको बताया गया है। जब ये मन आत्मा के साथ जाकर के जुड़ जाएगा तो मन की गति, मन का रमण आत्मा में होने लग जाएगा। जैसे संसार के गुण मन में उतर रहे हैं, फिर आत्मा के गुण मन के अंदर उतरने लग जाएंगे। शांति, समृद्धि और संतुष्टि, ये सब आत्मा में निहित है। आत्मा के गुण मन में आ जाएंगे तो आपको शांति भी मिलेगी, आपको समृद्धि भी मिलेगी, आपको संतुष्टि भी मिलेगी। यही सच्चा जीवन है। आप सच को देखिए, हम आत्मा की बातों को अनसुना करते हैं और मन की बातों को झूठ चाह करके भी हम नहीं चाहते कि वो काम हम करें जो हमारा मन कह रहा है, जिसमें हमें ग्लानि होती है, हम उन कामों को नहीं करना चाहते। परंतु हमारा अंदर से संकल्प बल कमजोर होने के कारण वो हमें अनायास ही अपनी तरफ को आकर्षित करता है और हम अंदर से लुढ़कने वाली स्थिति हमारी होती है, क्योंकि चढ़ाई को चढ़ रहे होते हैं तो हम फिसल जाते हैं और लुढ़कते लुढ़कते आकर के फिर से
सबसे नीचे की स्थिति पर जाकर के गिर जाते हैं। आप ये देखेंगे इस संसार में हमारा मन जो समाया हुआ है, बसा हुआ है, जिसका हमारे मन के ऊपर अधिपत्य है, अधिकार है, वो हमें अपने प्रभाव से बांध करके रखे हुए है। तरह तरह के नाना प्रकार के दुख सुख जिनको आज हम झेल रहे हैं, हानि रीता, इसी से हम संसार के अंदर फंस जाते हैं। कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी शुभ तो कभी अशुभ, कभी पुण्य के तो कभी पाप के कर्म हमको करने के लिए विवश करता है। इस सच्चाई को आप देखिए, देखना सच्चाई को आप देखना, अपने व्यवहारिक जीवन में आप देखना। इसलिए वास्तविक सुख शांति समृद्धि और आनंद से हम वंचित बने रहते हैं। पाना तो चाहते हैं उसे, परंतु हम उससे वंचित रह जाते हैं। कभी हम लाखों की भीड़ में स्वयं को अकेला पाते हैं, कभी अकेला एकांत में होते हुए भी अपने आप को अपने मन के इस बसे संस्कारों की स्मृतियों की भीड़ में हम अपने आप को खोया हुआ और परेशान पाते हैं। जब तक मन में संसार बसा है तब तक हम सुख और हर्ष विषाद मान अपमान द्वंद्वों के बीच घिरे रहेंगे। ये बिल्कुल आप पक्की गांठ बांध लीजिए। इन द्वंद्वों से अगर मुक्त होना आप चाहते हैं, वास्तविक सुख शांति समृद्धि को आप पाना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब मन में बसा हुआ संसार उससे आप विरक्ति को पाते हुए चले जाएं, या दूसरे शब्दों में कहूं आत्मयुक्त आनंद में जाकर के आप विलय अपने आप को करते हैं। तब तक आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अर्थात मोटे रूप में, निचोड़ रूप में मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा ये किसी और के ऊपर नहीं है, केवल आपके ही ऊपर है कि आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो वास्तविक आत्म आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शरीर के साथ जुड़े हैं तो आप संसार के सुख दुख मान अपमान राग द्वेष द्वंद्वों के अंदर फंसे हुए रहेंगे। अब आपको निर्णय स्वयं करना है, आपको अपना निर्णय स्वयं करना है कि आप कौन सी स्थिति में जाना चाहते हैं। मन को संस्कारों से, संसार से मुक्त करके आत्मा के साथ युक्त करना बड़ा ही प्रभावशाली साधन अगर इस दुनिया के अंदर है तो उसको हम ध्यान कहते हैं, उसको हम ध्यान कहते हैं। मन से परमात्मा का ध्यान करते रहने से मन में बसे हुए जो संस्कार हैं, कर्म के संस्कार हैं, वो संसार में विलुप्त तो होने लगते हैं और यहीं से मन निर्मल होने लगता है। फिर इस निर्मल मन में आत्मा और आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। हमारे एक आध बच्चा ऐसा है जो वास्तव में इस लाइन पर चल रहा है। मुझे जैसी वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनकी अनुभूतियों को देख करके मुझे लगता है कि वो इस रास्ते को अपनाए हुए हैं। बड़ी ही एकाग्रता, तन्मयता, अपना संकल्प, इसको आपको जगाना होगा। ध्यान का रूपांतरण, चेतना के जागरण, अहम के गलन, इनके लिए करना होता है, जो केवल ध्यान से ही संभव है। पिछले काफी समय से हमने अपने प्रवचन को दो जगह तोड़ करके, आधा प्रवचन और आधा ध्यान इसीलिए करके रखा हुआ है। प्रवचन से भी ज्यादा जरूरी ध्यान है,
परंतु ध्यान को लगाने के लिए प्रवचन नितांत आवश्यक है। ये रूपांतरण है, मन का रूपांतरण है आत्म तत्व के अंदर। आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग, इसी को ही कहते हैं, और इसी से ही आत्म आनंद की अनुभूति होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको बड़े अच्छे से स्पष्ट किया है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। एक किताब भी लिखी है इस पर गुरुदेव ने, आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग किताब का नाम है। मनुष्य को परमानंद की अनुभूति इसी से होती है। विषयों से मिलने वाले क्षणिक सुख से मनुष्य कभी अघाता नहीं तो कभी तृप्त भी नहीं होता, अघाता नहीं है तो कभी तृप्त भी नहीं होता। मनुष्य सदैव अपनी शक्ति को नष्ट करता रहता है, पर आत्मा में ब्रह्म का सतत ध्यान करते करते साथ को सहज ही आत्मा में ब्रह्म के संस्पर्श का आनंद मिलने लग जाता है। वो तृप्ति तुष्टि शांति का कारण बनता है। आप भी उस भाव को करें, मैं देह नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का साक्षात स्वरूप हूं। ये भाव सतत अभ्यास में, स्मरण में, ध्यान में बना रहे तो आपकी आप साधना में स्थित होकर के अपनी साधना को करते हुए रहेंगे, और धीरे धीरे करते करते आप ब्रह्मभूत होते हुए चले जाएंगे। इसलिए सतत ध्यान में रहें, सतत ध्यान में संलग्न रहें। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, क्योंकि 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और कल बसंत पंचमी पर्व सुबह इसी लाइव के अंदर ही पूर्ण आहुति कराई जाएगी। नए संकल्प के लिए गंगा विहार में पता आपको पहले से डाल दिया गया है, वहाँ पर प्रवचन होगा और अगले कार्य का निर्धारण होगा। यहाँ मैं ये कहूँगा, निर्धारण मेरे से नहीं, आपको अपने आप से करना होगा। कल समझाएंगे, आज वरुण का गंगा विहार में, रीता का लड़का है उसका जन्मदिन है। मैं सभी से और गुरुदेव से भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसका जन्म सफल हो, उसको प्रेरणाएं मिले, उसका आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, बच्चा अपने जीवन में सतत आगे बढ़ता जाए। यही मेरी सबसे हार्दिक निवेदन है, और आप करें, ध्यान को अपने स्तर से कर लें, क्योंकि अभी मैं अस्पताल में हूँ, आने पर पूरा क्रम दोबारा से शुरू किया जाएगा। आज की बात संपन्न हो सकता है, आज डॉक्टरों ने कहा है छुट्टी देने के लिए, तो कल से जो भी यथावत कार्यक्रम है वो चलेगा। आज की बात संपन्न।